हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वाणी। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमारी प्रीवियस वीडियो में जब हमने डेफिनेशन से डील किया था, हमने डेवलपमेंट से डील किया था, तो हमने देखा था कि स्टेट्स अपने डीलिंग में इंटरनेशनल लॉ को कंसिडर करती हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट में सिर्फ अब स्टेट्स ही इंक्लूड नहीं होती हैं। जैसे जैसे इंटरनेशनल लॉ का डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे न्यू न्यू चीज़ें इंटरनेशनल लॉ में एड ऑन होती जा रही हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन है इंटरनेशनल लॉ के, वो आज हमें पढ़ना है। पहले तो नॉर्मल हम सबको पता है स्टेट्स सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ की, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स डिसाइड कैसे होते हैं इंटरनेशनल लॉ की, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एनी एंटिटी विच पजेस इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कोई भी एंटिटी अगर प्रजेस करती है इंटरनेशनल पर्सनालिटी के स्टेटस को, तो वो एंटिटी सब्जेक्ट बन जाती है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है। तो क्या है पोजेशन ऑफ इंटरनेशनल पर्सनालिटी, ये एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि एंटिटी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है कि नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्विचनबर्ग इंटरनेशनल पर्सनालिटी कौन होती है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, ठीक है, डिफाइन या उसका मीनिंग है ऐसी एंटिटी जो पजेस करती है सर्टेन लीगल राइट्स और सर्टेन ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ। कोई भी एंटिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर उसके सर्टेन राइट्स हैं और सर्टेन ड्यूटीज हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल्स ही हैं, अगर उसके सर्टेन राइट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर या सर्टेन ड्यूटीज हैं जो उन्हें फुलफिल करनी है अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी कौन होती है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मीन्स वो सारी एंटिटी जो पजेस करती है, जिनके पास कैपेसिटी है कि वो बेयर कर सके राइट और ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। इन रिपेरेशन ऑफ इंजरीज केस इट वॉज ऑब्जर्व दैट एन एंटिटी कैपेबल ऑफ पजेसिंग इंटरनेशनल राइट एंड ड्यूटीज एंड हैविंग कैपेसिटी टू मेंटेन इट्स राइट्स बाय ब्रिंगिंग इंटरनेशनल क्लेम, ठीक है। तो रिपेरेशन ऑफ इंजरीज केस में ये डिसाइड हुआ कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी वो एंटिटीज हैं जो कैपेबल हैं पजेस करने के लिए राइट्स और ड्यूटीज, और जो कैपेबल हैं मेंटेन करने के लिए भी अपना राइट को, अगर उनके राइट वॉयलेट होते हैं तो इंटरनेशनल फोरम में क्लेम भी कर सकते हैं, अपने क्लेम को ब्रिंग कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम में, ठीक है। तो ऐसी एंटिटीज जो भी हैं वो सारी सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ की। ये इतना समझ में आया। Does international law itself select the different entities to which it grant international personality? तो यहाँ से क्या समझ में आया कि international law खुद ही select करता है कि कौन सी entity को वो international personality consider करेगा, कौन उसका subject होगा और कौन subject नहीं होगा। जो भी entities possess करेंगी rights और duties को, उनकी certain rights होंगे और उनकी certain duties होगी international law के अंदर, तो वो सारी entities क्या होंगी, वो सारी एंटिटी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होगी और वो सब्जेक्ट्स होंगी इंटरनेशनल लॉ की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। व्यूज ऑफ जुरिस डिफर ऑन द क्वेश्चन एज टू व्हाट एंटिटीज आर डीम्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अब वेरियस जुरिस के जो ओपिनियंस हैं वो डिफर करते हैं कि कौन सी एंटिटी सब्जेक्ट होगी, कौन सी एंटिटी सब्जेक्ट नहीं होगी, कौन सी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, कोई भी कौन सी एंटिटी को हम कंसिडर करेंगे कि हाँ इसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज हैं और इसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस ने थ्री पॉपुलर थ्योरीज को इमर्ज किया, ठीक है। पहली है रियलिस्टिक थ्योरी। रियलिस्टिक थ्योरी बात करती है कि स्टेट ओनली आर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। रियलिस्टिक थ्योरी का जो मेन फोकस है वो है कि स्टेट ही सिर्फ सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ के। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट अलोन आर द बियरर ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल लॉ में सिर्फ स्टेट ही है जिसकी कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज है, ठीक है, उसके सर्टेन राइट्स हैं और सर्टेन ऑब्लिगेशन है अंडर इंटरनेशनल लॉ जो उसे फुलफिल करनी ही करनी है, और अगर उसके राइट्स इंफ्रिंज होते हैं, वायलेट होते हैं, तो वो अपना इंटरनेशनल क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था द स्टेट एज एन एंटिटी इज लीगली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। देखो स्टेट जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जुरिस्ट है उन्होंने स्टेट को एज एन एंटिटी डिफरेंट माना एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देखो स्टेट जो है वो एंटिटी है, ठीक है, चला अगर हम देखें तो चला तो उसे ह्यूमन बीइंग ही रहे हैं, ठीक है, स्टेट अपने आप में तो नहीं वर्क करती है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ही हैं उस पर्टिकुलर नेशन के हेड, ठीक है, वही उसको कंटिन्यू करते हैं, वही फॉर्मुलेशन करते हैं पॉलिसीज का, ठीक है। तो लेकिन इस थ्योरी ने स्टेट को डिफर माना और ह्यूमन बीइंग को डिफर कंसिडर किया, ठीक है।
According to this view, individuals lack any judicial personality because they possess neither rights nor duties under international law. If they have any right at all, that can be claimed only through states. देखिए, इस थ्योरी ने कहा कि ह्यूमन के पास सबसे पहली चीज इंडिविजुअल के पास इंटरनेशनल पर्सनैलिटी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई भी राइट्स और ड्यूटीज नहीं है अंडर इंटरनेशनल लॉ. अगर मान लीजिए कोई लॉ में उनके राइट्स दिए जाते हैं इंडिविजुअल को, तो वो भी सिर्फ तभी क्लेम हो सकते हैं जब वो अपनी सारे रिजॉर्ट खत्म कर दे स्टेट से. पहले तो वो स्टेट पे ही कंसिडर होंगे, ठीक है, और वो जो भी राइट्स क्लेम करेंगे वो स्टेट के थ्रू ही करेंगे. ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे ह्यूमैनिटेरियन लॉज में और वेरियस लॉ में, ठीक है, कि कैसे इंडिविजुअल्स के राइट इन्फ्रिंज होते हैं और वो इंडिविजुअल सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी स्टेट में ही अप्रोच करते हैं. जब पर्टिकुलर टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाती है और स्टेट कोई एक्शन नहीं लेता है, तब इंडिविजुअल को एक इंटरनेशनल फोरम में कंसिडर किया जाता है एज ए इंटरनेशनल पर्सनैलिटी. ठीक है, और अदर्स मैटर में अगर इंटरनेशनल इंडिविजुअल को अपियर होना है तो वो स्टेट के थ्रू ही अपियर होता है. यहाँ तक चीजें क्लियर है. स्टेट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाइल इंडिविजुअल आर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, रियलिस्टिक थ्योरी के ज्यूरिस्ट कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है. ठीक, क्रिटिसाइज किया रियलिस्टिक थ्योरी को. नो डाउट द व्यू हेल्ड बाय रियलिस्ट वॉज करेक्ट एज लॉन्ग एज अदर एंटिटीज वर नॉट अकॉर्डेड कैपेसिटी टू अ बियरर ऑफ राइट एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, क्रिटिसाइज इस पॉइंट पे किया गया कि ठीक है, जब तक कोई अदर एंटिटीज डेवलप नहीं हुए थे, अदर एंटिटीज इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, तब तक रियलिस्टिक थ्योरी ही इंपॉर्टेंट थी और स्टेट ही ऑनली सब्जेक्ट थे इंटरनेशनल लॉ के. लेकिन अब ऐसी एंटिटीज डेवलप हो गई हैं, इस्टेब्लिश हो गई हैं, जो सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज को बियर करती हैं, जैसे UN है, ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, WTO है. ठीक है, हाउएवर एट प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट कन्फाइंड टू स्टेट ओनली. हाउएवर अब इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट तक ही कन्फाइंड नहीं है. द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर has stimulated an increasing number of participants in international legal order. ठीक है, अब क्या है, expansion हुआ है international law का economic and social welfare life में. ठीक है, economic conditions को भी international law consider कर रहा है अपनी dealing में. society के welfare के लिए भी international law certain rules establish कर रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से और हर state में और ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वजह से, ठीक है, क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ का जो एस्पेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो अब हम, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है पार्टिसिपेंट्स इन इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुई हैं चीज़ें. ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इकोनॉमिक और सोशल सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को अब डील कर रहा है. ठीक है, तो इसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ नए नए रूल्स फॉर्म कर रहा है. ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर से रिगार्डिंग, हर स्टेट के इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग वो नए नए लॉज फॉर्म कर रहा है, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है. और यही स्कोप की बढ़ने की वजह से नए नए पार्टिसिपेंट्स इसमें ऐड हो रहे हैं, और ये ऐड होने की वजह से इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिक्शनल थ्योरी. फिक्शनल थ्योरी बात करती है कि इंडिविजुअल्स आर द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ लाइक म्युनिसिपल लॉ. फिक्शनल थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल ही सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, जैसे कि इंडिविजुअल म्युनिसिपल लॉ में सब्जेक्ट होते हैं म्युनिसिपल लॉ के. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट डू नॉट हैव सोल एंड दे हैव नो कैपेसिटी टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ऑटोनोमस विल. फिक्शनल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट, हमने जैसे पहले बात की कि स्टेट के पास कोई खुद की सोल नहीं है. जो पीछे जो बॉडी है वो तो इंडिविजुअल की है जो एक्ट कर रहे हैं. जो स्टेट है उसके पास कोई सोल नहीं है, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने ऑटोनोमस विल को एक्सप्रेस कर सके. ठीक है, स्टेट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है और जो इंडिविजुअल के थ्रू ही वर्क करता है. ठीक है, दे आर एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर एक्टिंग थ्रू इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो स्टेट क्या है, एक फिक्शन है, काम तो इंडिविजुअल्स ही कर रहे हैं पीछे से. ठीक है, अकॉर्डिंग टू केल्सन व्यू बोथ म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ आर मीन फॉर ह्यूमन बींग. केल्सन के अकॉर्डिंग म्युनिसिपल लॉ भी इंडिविजुअल्स के लिए लगता है. ठीक है, म्युनिसिपल लॉ में क्या होता है, ह्यूमन के कंडक्ट को रेगुलेट किया जाता है. ठीक है, इंटरनेशनल में हम कहते हैं स्टेट के कंडक्ट को रेगुलेट किया जाता है. ठीक है,
अकॉर्डिंग टू कैल्सन कि इंडिविजुअल ही दोनों में, म्यूनसिपल लॉ में भी और इंटरनेशनल लॉ भी, दोनों ह्यूमन बीइंग के ही कंडक्ट के लिए बना है. फॉर्मल म्यूनसिपल लॉ डायरेक्टली बाइंडिंग होता है इंडिविजुअल पे, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है वो बाइंडिंग होता है इनडायरेक्टली थ्रू स्टेट, ठीक है, स्टेट के थ्रू इंडिविजुअल्स पे बाइंड होता है, ठीक है, जैसे लेकिन म्यूनसिपल लॉ क्या करता है, म्यूनसिपल लॉ डायरेक्टली आप पे इंडिविजुअल्स पे बाइंड होता है, ठीक है. अगर कोई भी स्टेट या उस पर्टिकुलर स्टेट का कोई भी इंडिविजुअल कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो इंडिविजुअल जो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेट के थ्रू उस पर्टिकुलर पर्सन पे एक्शन लिया जाता है, ठीक है. तो स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ है वो बाइंडिंग होता है इनडायरेक्टली थ्रू स्टेट, ठीक है. यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक चीज़ आई थिंक क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल थ्योरी. फंक्शनल थ्योरी बात करती है इन द लास्ट 50 इयर्स और सो सब्सटेंशियल चेंजेस हैज बीन मेड इन इट. देखिए इंटरनेशनल लॉ में 50 इयर्स में विद इन 50 इयर्स सब्सटेंशियल चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है. न्यू पार्टिसिपेंट्स ऐड हुए हैं इन इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टेट हैव बीन इंडोर्व्ड राइट एंड ड्यूटीज टू परफॉर्म सर्टेन लीगल फंक्शन इन एडिशन टू स्टेट. वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई हैं कि वो सर्टेन लीगल फंक्शंस को परफॉर्म करे इन एडिशन टू स्टेट, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट से डिफर माने गए हैं, ठीक है. In the advisory opinion on the interpretation of that WHO Egypt agreement, the International Court of Justice clearly state that, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक एडवाइजरी ओपिनियन में क्लियरली स्टेट किया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड एज सच दे आर बाउंड बाय एन ऑब्लिगेशन इनकम्बेंट अपॉन देम अंडर जनरल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है. और वो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बाउंड हैं, ठीक है, बाउंड हैं कि वो अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करें, ठीक है, जो भी अंडर जनरल रूल इंटरनेशनल लॉ के हैं या अंडर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट में जो उनका एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका ऑब्जेक्टिव है, प्रियम्बल है, उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उनके सर्टेन ऑब्लिगेशन है या इंटरनेशनल लॉ के जनरल रूल में उनके ऑब्लिगेशन है, या उन्होंने अगर कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है तो उसमें जो उनके ऑब्लिगेशन है एज दे आर पार्टीज, ठीक है, तो वो सारे ऑब्लिगेशन को उन्हें परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसलिए वो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं, ये इस पर्टिकुलर जजमेंट में हमको देखने को मिला, ठीक है, एज अ एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. सो इज द केस विद इंडिविजुअल्स, ठीक है, यही सेम केस इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई होता है एज अकॉर्डिंग टू फंक्शनल स्कूल. अब देखिए एक बहुत ही जनरल टर्म में रियलिस्टिक स्कूल रियलिस्टिक थ्योरी बात करती थी कि स्टेट्स आर द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. फिक्शनल थ्योरी कहती थी स्टेट तो फिक्शन है, काम तो सारे इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. फंक्शनल थ्योरी कहती है कि वो ऐसी एंटिटीज जो सर्टेन लीगल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनके पास सर्टेन लीगल राइट्स और ड्यूटीज हैं, ठीक है, वो सारी एंटिटीज इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो एज अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी कंसिडर किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लीगल फंक्शन, ठीक है, उनके पास सर्टेन राइट्स है, सर्टेन ऑब्लिगेशंस हैं, और वो अपने इस राइट को मेंटेन करते हैं और क्लेम फाइल कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम में, ठीक है, तो वो सारे क्या हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके पास सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, और एक कुछ वो अपने लीगल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, वैसे ही इंडिविजुअल्स भी हैं जिनके पास सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है. इट इंप्लाइज दैट दे आर ऑल्सो इंटरनेशनल पर्सन. However, it has to be considered that while state have been endowed totality of right and duties under international law and therefore they have unlimited personality. देखिए ये एक concept है कि individuals के पास भी certain rights and duties हैं, लेकिन जब हम उसका comparison state से करते हैं तो state के पास unlimited personality है, ठीक है, वो totality of rights and duties पे state को रखा गया है कि उसके पास तो टोटालिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है, लेकिन स्टेट की क्या लेकिन इंडिविजुअल की क्या है, लिमिटेड पर्सनालिटी है, सर्टेन रूल्स में या सर्टेन सब्जेक्ट्स मैटर्स पे ही इंडिविजुअल्स को राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, लेकिन स्टेट को हर फील्ड में हर सब्जेक्ट मैटर पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज दी हुई है, इसलिए स्टेट की अनलिमिटेड पर्सनालिटी है, ठीक है, एज अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल की लिमिटेड पर्सनैलिटी है. यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई. वाइल
international organization individual possess restricted personality since they perform only few rights and duties. ठीक है, सेम कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल पजेस करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी किसी किसी सब्जेक्ट मैटर्स में, उन लोगों को इंडिविजुअल्स को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या है, फ्यू राइट्स एंड ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए उनके सर्टेन लीगल फंक्शंस है जो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, लेकिन कंपेयर करें अगर स्टेट से तो स्टेट के पास अनलिमिटेड पर्सनालिटी है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटरनेशनल पर्सनालिटी इज ग्रांटेड टू दोज हु आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लीगल फंक्शन अंडर इट, देयरफॉर इट कॉल्ड फंक्शनल थ्योरी. ये समझ में आया, क्योंकि इंटरनेशनल वो सारे इंटरनेशनल पर्सनालिटी जो कैपेबल हैं कुछ पर्टिकुलर लीगल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो सारी एंटिटीज को इंटरनेशनल पर्सनालिटी का स्टेटस ग्रांट होता है. ठीक है, और इसीलिए वो सब्जेक्ट माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, और इसीलिए इस पर्टिकुलर थ्योरी का जो नाम है वो फंक्शनल थ्योरी है. यहां तक आई थिंक चीजें क्लियर हैं. अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की. द थ्योरी रिकॉग्नाइजिंग एंटिटी एज इंटरनेशनल पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन अपीयर टू बी साउंड. अब देखिए, एक थ्योरी ने कहा कि नहीं सिर्फ स्टेट है, एक ने कहा सिर्फ इंडिविजुअल है. इसकी वजह से जो फंक्शनल थ्योरी है वो फंक्शनल थ्योरी क्या है, सबको कवर करती है. जो भी ऐसे एंटिटीज हैं जिनके पास सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज हैं और वो अपने लीगल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंडर, वो सारे के सारे क्या है, इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं. ये जो थ्योरी है ये बहुत साउंड अपीयर होती है. ठीक है, क्योंकि इसने सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कवर किया है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर. हमने रियलिस्टिक थ्योरी देखी, हमने फिक्शनल थ्योरी, हमने फंक्शनल थ्योरी देखी, तो अब कंक्लूजन पे हम बात कर रहे हैं. फ्यू जुरिस्ट हु हैड अर्लियर व्यू ऑन स्टेट्स आर ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव शिफ्टेड देयर अप्रोच. देखिए, बहुत सारे जुरिस्ट थे, ठीक है, जिनकी पहले व्यू था कि स्टेट आर द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हैव शिफ्टेड देयर अप्रोच. उन्होंने अपनी अप्रोच को शिफ्ट किया. जैसे ओपनहाइम ने अपनी डेफिनेशन में 1905 में क्या कंसिडर किया था कि स्टेट आर द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. लेकिन 1992 में जब उन्होंने अपनी न्यू एडिशन में डेफिनेशन देखी हमने ओपनहाइम की, तो उसमें क्या थे, अदर सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया था. फर्स्ट थिंग, स्टेट एक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल आर पैसिव मेंबर, फॉर्म देयर एग्जिस्टेंस फ्रॉम द फॉर्मल डिसीजन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट्स. देखो, हमने जैसे फंक्शनल थ्योरी में भी बात की कि स्टेट के पास अनलिमिटेड पर्सनालिटी होती है, अनलिमिटेड राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं. ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी को पजेस करती हैं. ठीक है, स्टेट क्या है, इंटरनेशनल लॉ में एक एक्टिव मेंबर की तरफ एक्ट करते हैं, जबकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल पैसिव मेंबर्स हैं. ठीक है, एक्टिव मेंबर मींस वो पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल लॉ में पूरी तरीके से, जबकि पैसिव मेंबर्स क्या है, जो किसी और की सपोर्ट से या किसी और के थ्रू एक्ट करते हैं. जैसे स्टेट के थ्रू, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि सर्टेन जो राइट्स और ड्यूटीज हैं इंटरनेशनल लॉ में ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल्स की, वो थ्रू स्टेट क्लेम होती हैं बहुत सारे ऐसे जनरल रूल्स में. ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिविजुअल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पैसिव मेंबर कंसिडर किया जाता है. ठीक है, थर्ड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन रिपेरेशन ऑफ इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ यूएन केस 1949 ऑब्जर्व दैट द सब्जेक्ट ऑफ लॉ इन एनी लीगल सिस्टम आर नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल इन देयर नेचर और इन द एक्सटेंट ऑफ देयर राइट्स एंड देयर नेचर डिपेंड ऑन कम्युनिटी. सो यूएन इज एन इंटरनेशनल पर्सन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नॉट अ स्टेट. देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द रिपेरेशन ऑफ इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ द यूएन केस 1949 में ये बोला कि सब जो इंटरनेशनल लॉ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते कि इस सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर स्टेट है, इसके पास ये सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, इसका नेचर ऐसा है और इसका एक्सटेंट इतना है राइट्स में. वही सेम चीज़ दूसरे एंटिटीज में नहीं हो सकती. ठीक है, सेम नेचर सेम एक्सटेंट दूसरी एंटिटी के पास हो, ये ऐसा नहीं होता है. जनरली आइडेंटिकल होना सब्जेक्ट्स को इंटरनेशनल लॉ के अंदर ज़रूरी नहीं है. जैसे उन्होंने माना कि यूएन इंटरनेशनल पर्सन है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी है यूनाइटेड नेशन के पास. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, और ये फैक्ट भी है कि वो स्टेट नहीं है, फिर भी उसके पास क्या है, यूनाइटेड नेशन के पास इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, क्योंकि उसका जो उसके पास सर्टेन राइट्स हैं, लीगल ऑब्लिगेशन है, जो डिफरेंट हैं ऑफकोर्स स्टेट से. ठीक है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के क्राइटेरिया में एक सब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर नेचर है, एक्सटेंट है, ठीक है, वो आइडेंटिकल हो अदर सब्जेक्ट्स के साथ. यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं.
ठीक है, ये सब्जेक्ट तो हम नेशनल लॉ कवर करता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।